हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 8। हाँ, जल्दी उठ गया। तो आज का ब्लॉग सुबह के 8 बजे से स्टार्ट करते हैं। और बताइए, जैसे कि मैं आपको आप पीछे की लोकेशन देख के समझ गया होंगे कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ। मैं भी अपने गोदाम के पास ही हूँ। तो चलते हैं अपने काम की ओर। तो आज थोड़ा काम ज़्यादा है और घर में भी थोड़ा काम है, तो घर की भी तैयारी करनी है। तो दोनों काम आज फटाफट जल्दी जल्दी आज थोड़ी स्पीड में काम करना पड़ेगा मेरे को। तो चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ ऐसी। और चलते हैं सबसे पहले गोदाम, पहले लड़कों को उठाते हैं अपने टीम मेंबर्स को, उसके बाद चलेंगे कहाँ, बैंक्वेट हॉल्स। तो मैं पहुँच चुका हूँ इस समय इंद्रकला बैंक्वेट हॉल। और यहाँ पर भी पार्टी सब क्लोज हो चुकी हैं क्योंकि वेडिंग सीज़न बिल्कुल हल्का हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्लोज करने लगे हैं। तो पीछे की तरफ सारा सामान वामान खोलने लग गए हम लोग। तो सारे अभी कपड़ा, टेंट का कपड़ा भी आधा 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 खोल दिया। अभी थोड़ा बहुत और बचा है, वो भी खोल देंगे। पीछे मेरे बैक साइड में लाइट्स लगी है, ये भी खोल देंगे क्योंकि फिर हवा से ख़राब हो जाता है और धूप से टेंट कवर का जो कपड़े का होता है वो रंग भी उड़ जाता है। तो यहाँ पर अब हमने पूरा क्लोज हो गया है, थोड़ा बहुत सामान बचा है। तो इसको बाकी हम लोग सारा खोल के, जैसे टावर वगैरह रखें, ये सारे हम अंदर पैनल में रख देंगे संभाल के। और ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट, ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे का बिल्कुल। चांस बादल बना रखे भैया ने हमारे। और ये यहाँ का झूला बच्चों के खेलने के लिए। बाकी स्टॉल्स वगैरह हैं, बाकी आधे तो खुल चुके हैं। ये ट्री था, ये भी खोल दिया है। और ये यहाँ की मूर्ति, यहाँ पे भी सेल्फी पॉइंट है जो भगवान की, उससे बनवाई है। और बाकी ये बिल्डिंग है ठीक सामने, जो कि आपने मेरे और भी ब्लॉग्स में देखा होगा। तो चलते हैं अभी एक ग्राउंड, मुझे गोदाम जाना है, पहले वहाँ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे। तो पहुँच चुका हूँ मैं विंटेज ग्रीन बैंक्वेट हॉल। तो आज भी अभी बीच में 2 दिन का गैप था यहाँ पे, तो आज फिर से प्रोग्राम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आज अगेन रेड थीम है। जब से रेड थीम हमने लगाई है यहाँ पे, हर पार्टी वालों को वही सेलेक्ट कर रहे कि रेड लगा दो, रेड लगा दो, रेड। हमने परसों खोल भी दे, फिर हमने दोबारा रेड लगा, दोबारा रेड थीम पूरी दोबारा लगानी पड़ी। तो अभी यहाँ पे कोई अभी ज़्यादा तैयारी हुई नहीं क्योंकि दोबारा खोल दिया था हमने सामान, अब दोबारा लगाना पड़ रहा है क्योंकि आज की पार्टी को भी, इनके वहाँ वेडिंग है तो ग्रूम एंड ब्राइड को भी, इनको रेड कलर बहुत पसंद आया। तो अभी हमारा काम अब दोबारा सेटिंग वगैरह करनी है, स्टेज भी दोबारा वैसे डेकोरेट करना है। और लाइट्स वगैरह तो लगाई दी थी हमने कल रात, तो तब तो मैं यहाँ पर आया नहीं था, मैं कल मैरी गोल्ड पर ही था। और डीजे का भी ट्रस लगा हुआ है। तो चलते हैं अभी और अंदर को भी सेटअप कितना बचा है। मैनेजर साहब, ये सुबह सुबह आके खड़े नहीं होया करो यहाँ, कारोबार से 10 जगह कारोबार है। हमारे वहाँ एक ही आदमी है जो मेहनती बेचारे, अकेले इतने बड़ा स्पीकर अकेले ले आते हैं भैया हमारे। अरे इन्होंने पूरा अकेले उठा रहे, इतनी मेहनत करते हैं कि इनके घर वाले इनकी मेहनत देख के अचंभा में रह गए कि अकेले। अभी तो ये 2 स्पीकर लाए थे, अभी एक साथ 2 लाएंगे। मेरी गाड़ी का हो गया टायर ख़राब, तो उसमें टायर पूरा फट गया, अब मुझे टायर बदलना पड़ रहा है यहाँ पे। ले आया तो मैं लेके आ गया हूँ इसे बाइक सेंटर पे, यहाँ पे टायर की दुकान है मुखानी चौराहे पर ही, ठीक सामने चौराहे है। और अपने टायर बदल रहा हूँ यहीं पर ही, फट गया पूरा, अब निकाला है उन्होंने कंपनी का, वो रहा ठीक सामने मेरा टायर, अब फिट होगा अभी गाड़ी में। ये लोग अपना सारा मेरा गाड़ी का काम छोड़ के लग गए, पहले बदलते आते हैं भैया। बुला लो यार, इनसे खुल भी नहीं रहा है टायर, अब इसके लिए मिस्त्री बुलाएंगे, कह रहे मिस्त्री आएगा तब खुलेंगे। इस पैड भी चिपक गए, पता नहीं क्या हो गया। तो दुकान वालों से उन लोग, हमारा टायर खुला नहीं, अब हमें दूसरी दुकान पर टायर तो हमने बदलवा लिया, अब जहाँ गाड़ी की सर्विस होती है वहाँ लाना पड़ रहा है। पीछे भाई टायर को ऐसे कंधे में उठा के लाना पड़ रहा है हमें, पता चले हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। टायर उड़े हो वैसे पैदल पैदल लेके जा रहे हैं टायर। तो आज कर रहा हूँ अपने घर की धुलाई, तो हम दोनों मिलके सफाई करनी पड़ी है यहाँ पे क्योंकि घर में कल पूजा है। और पूरा अभी धोया वहाँ पे, बहुत ही गंदगी हुई थी, थोड़ा बहुत पुट्टी बची थी जो कि हमारे बस की हो नहीं पाई। पाइप को खींचो और आ जाएगा। तो पूरी दीवार और कार भी मेरी वहाँ पे बड़ी गंदी हो चुकी है, इसको भी अभी साफ़ करनी बाकी है हमारे। तो ये हमारे वो लगे हुए हैं, ये पहले से साथ में लगे रहते हैं, पूरा समर्थन है इनका हमारे साथ। अभी मुंह नहीं धोया लेकिन दीवार धो रहे हैं। अभी
पूरा घर के बाहर की धुलाई उलाई कर दी। अब कार भी बहुत दिन से खड़ी हुई थी तो हम लोग खरखा धोने लगे दोनों से मिल के, हाथ भी बहुत, पैंट वेंट सब गीली हो चुकी है भाई। देखो हमारे हमेशा आप मुझे हर ब्लॉग में देखेंगे, हम इन जितना मानते हैं हम इन्हें, इनके लिए हमने कोई कमी नहीं रखी सारी चीज़। और ये पीछे से आ गए हैं भाई, ये यहाँ पानी डालना पड़ रहा है सफाई पूरी। एक तो पहले यहाँ इसके कार के अंदर पानी भी खत्म हो गया, सारा काम अकेले देखना पड़ जाता है यार। अभी इसका वो कहाँ है, तो खाली सुबह से टामे दे रहे थे मुझे। एक सेकंड पाइप इसमें पानी भी तो खत्म हो गया उस दिस, और ये भर रहा है हमारा पानी मेरे का पानी है। कितना बड़ा है इतने पानी में, तो एक ऊँट है ये। तो अब सेटिंग में हमारी तैयारी हो चुकी है, पूरा सेटअप तैयार कर दिया धीरे धीरे, बाकी सब क्लियर है, सेटिंग वगैरह भी हो गई है, बस थोड़ा सा बचा है हमारा स्टेज। और अभी चलते हैं गैलरी को, तो स्नैक्स चाट काउंटर यहाँ पे लग चुके हैं, ये भी थोड़ा भी काम बचा है। ये रहा हमारा घोड़ा जिसे कवर्ड किया हुआ है क्योंकि गंदा हो जाता है धूल से, तो इसे तो ये गैलरी गो देखते हैं। अभी फ्लावर पॉट्स वगैरह सारे रख दिए, चलो आज टाइम से ज़रा काम हो गया है, घोड़े को कर दिया कवर। तो अभी हमारी गैलरी अभी इनकम्प्लीट है, अभी चल रहा है इसमें भी काम, क्योंकि मैटिंग वगैरह होनी है यहाँ पे, बाकी आगे तो हो गई भी, बाकी सफाई वफाई हो जाएगी। चलते हैं अभी देखते हैं अंदर का राउंड कितना बचा है। अब आ चुके हैं पैनल में बैठ गए हैं, काम हो गया हमारा कम्प्लीट, अब कुछ नहीं बचा है अभी, अब जाते हैं, अभी सर में भी दर्द हो गया बहुत। यहाँ आग जला दी है हमारे इरफान भाई लोग, ये लोग सब, रमेश दा, विकास लोग, सब लोग आग सेक रहे हैं, क्योंकि ठंडा आज बहुत है। अभी भी कोई गेस्ट वगैरह कोई आया नहीं है, वैसे भी हमारा ये जो ग्राउंड है इस एरिया में बैठा हूँ, अभी ठंडा बहुत हो रहा है, तो सब लोग आग सेक रहे हैं। अब हल्द्वानी को भी ठंडा पड़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर का भी चल ही रहा है महीना लास्ट की ओर। तो बाल मेरे ख़राब कैसे हो जाते हैं, तो बार उसमें ख़राब हो जाते हैं बाल भाई गाइक में। ये रहा मीन हमारा सेरा विंटेज ग्रीन की गैलरी, जो आप हमारे हर ब्लॉक्स में देखते हैं। आज के आधे थोड़े थोड़े सेम सेम पॉट्स हैं, बाकी बीच बीच के चेंजेस कर दिए हैं। वाइट कलर के फ्लावर पॉट्स भी रख दिए हैं, झूमर को साइड्स कर दिया गया है, एक इधर साइड चेंजेस कर दिया है, फ्लावर पॉट चेंज हुए हैं, फ्लावर भी चेंज हुए हैं, पर थीम हमारी रेडी रखी गई है, और ऊपर को पूरे क्रिस्टल हैंग किए गए हैं, और अभी चल रहे हैं अभी अंदर की ओर एंटर कर रहे हैं। अभी गेस्ट लोग तो ज़्यादा कोई आया नहीं है फिलहाल, अभी धीरे धीरे करके आने का टाइम हो ही रहा है, अब 8 बजे तक लोग एंटर हो ही जाते हैं। बाकी ये लोग अगली पार्टी के हैं, लोग अपनी लाइट्स वगैरह और डेकोरेशन देखना है। और ये रहा हमारा मेन गेट, और यहाँ से हमारी एंट्रेंस है। अभी थोड़ी लाइट्स ऑफ कर रही हैं, बाकी हमारा घोड़ा भी तैयार है, पूरा सेटअप तैयार, कवर्ड किया था दिन में तो पूरा खोल दिया गया है, और स्टेज हमारा पूरा फाइनली पूरा कंप्लीटेड है। फ्रूट चाट ठीक सामने लग चुका है, और चाट काउंटर्स हमारे ये लगे हैं, पानी के बता से इतने बड़े। और अभी टिक्के का काम रेडी है, बाकी अभी कोई गेस्ट वगैरह आया नहीं है। मुरादाबादी दाल, और इसमें पड़ेंगे सामान, और ये है पाव भाजी काउंटर, जिसमें अभी भी पूरा देसी घी पूरा रख दिया गया है, और ये भी पॉपकॉर्न्स वगैरह का वो सामान है अभी, बाकी सब क्लियर है यहाँ को। ये हमारे डीजे ऑपरेटर तैयार हो, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं, इसके बाद इन्होंने ऑपरेटिंग करनी है। तो अभी आर यू रेडी ब्रो, ठीक है, आपकी कैप कहाँ है आज, हेड कहाँ है, गोल वाली हेड अभी पहनेंगे। बाकी अभी यहाँ की तो लाइट्स ऑन कर दी, और हमारा डीजी का सेटअप भी तैयार हो चुका है। अभी ऑपरेटर्स हमारे जॉकी जो हैं कॉफ़ी पी रहे हैं, उसके बाद अभी अंडर एंटर कर रहे हैं, उसके बाद ये म्यूज़िक प्ले करेंगे, तो इनका फ्लो भी पूरा सेटअप रेडी है, और हाफ ट्रस है इनका, बाकी तो और समय आप फुल ट्रस में रहते हैं ना। हाँ, और ये रहा स्टेज जो फाइनली कम्प्लीट हो चुका है, और मटके भी लग गए हैं फॉग के लिए, जब ग्रूम एंड ब्राइड आएंगे तभी उसी टाइम ये फॉग चालू होगा। और ये रहा हमारे इस बैंकेट का स्टेज,
तो फाइनली सारा काम कंप्लीटेड हो चुका है हमारा। और आज यहाँ पे पूरा काम क्लियर है, यहाँ पे कुछ है नहीं हमारा, बाकी अंदर हॉल भी में कुछ नहीं है। और ये हमारी पूरी बिल्डिंग को पूरा माला कला LED से हाईलाइट किया गया है। तो अभी चलते हैं अभी अंदर को, अभी अंदर की लाइट्स वगैरह ऑन की नहीं है क्योंकि अभी कोई आया नहीं है, क्योंकि जेनसेट का एक लिए ऑन करना है इतनी जल्दी। तो बाकी सारी टेस्टिंग हो रही है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब रात के बज चुके हैं 12, अभी तक लाइटें चल रही हैं और अभी तक स्टेज पर जयमाला नहीं हुआ है, लेकिन ग्रूम जो है वो स्टेज पे ही पहुँच चुके हैं, तो अपने ब्राइड का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ब्राइड आ चुकी है, यहाँ पे जो है अंदर एंटर हो रही है, क्योंकि अभी DJ का म्यूज़िक तो बंद हो चुका है, 10 बजे के लास्ट टाइमिंग है हमारे पास। तो अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं, और ड्रोन ऊपर चल रहा है, यहाँ से सारी वीडियो शूट हो रही है। बात भी अब अंदर एंटर हो रही है, मतलब ब्राइड अब स्टेज पे जा रही है। तो मैं आ चुका हूँ अब अंदर, अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे कुछ सामान लेने जाना है तो गोदाम जाना है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ जल्दी आपको नए ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।